कह रहे माजे, उसकी आंखों में रहे माजे, दिल में रहे माजे, वो छोड़ दे, रोड पे छोड़ दे, कहीं दूसरे एरिया में छोड़ दे, उसको कोई ना कोई ले ही आएगा या खुदा जाए, खुदा के पास से जहाँ भी आपने उसको रखा है उसको छोड़ दे, आपका क्या जाएगा मगर हमारा पूरा घर चला जाएगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। पहले दिन ये गई, उसे मेरे दोनों हाथ ही काम कर रहे थे क्योंकि मेरे दिल का टुकड़ा गया है, और मैंने पुलिस का एक आदमी था एक नीचे गली में, एक ऊपर, पूरी गली की तलाशी मेरे और मेरी सिस्टर ने लिया, किस तरह नहीं होगी, किसी के बेड खोल रहे हैं, किसी की पेटियाँ खोल रहे हैं, और वो लोग हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे थे, कोई कुछ नहीं भी कर रहा था, कोई नाराज़ भी हो रहा था कि क्या फ्रिज के अंदर होगी, क्या टैंकी के अंदर होगी, क्या बैग के अंदर होगी, और मैं यकीन करें उस वक्त मैं खुद देख रही थी। अच्छा, एक और गलत काम हुआ है, इनकी बेटी हो गई अगवा, चौथा दिन है, रात में मैसेज चलना शुरू होते हैं, हाँ। कि दुआ वो जो बच्ची ड्रग इस्तेमाल करती थी, हाँ। वो मिल गई है और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करा दिया। अब मैं सुबह, कल सुबह वहाँ से सहरी ख़त्म करके मैं भागा इनके घर, मैंने इनको फ़ोन किया, कोई 10 फ़ोन किए कि भाई ये मैसेज चल रहा है आपकी 14 साल की बेटी का, कि वो तो नशा करती थी और उसको आप लोगों ने अभी मिल गई और दाखिल करा दिया रिहैबिलिटेशन सेंटर में, इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैं इनके घर पहुंचा हूं सुबह 6 बजे, मैंने जाके देखा इनके घर के बाहर सन्नाटा, मैंने दरवाजा नॉक नहीं किया, फिर मैंने पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने कहा भाई वो कोई और लड़की है, किसी और केस में है, उसकी एज कुछ और है, लेकिन आप ये देखें कि तुम अगर मदद नहीं कर सकते ऐसी बेहिसी मतलब। मैंने एक और वाकया इनके घर के बाहर देखा जिसमें मैं दंग रह गया, मैं बड़े बड़े वाकयात में गया हूँ कराची में, मैं तो आप जानते हैं कि अगर किसी का बच्चा चिपक के भी मरता है पोल से तो मैं उसके लिए FIR भी कटवाता हूँ, खड़ा भी होता हूँ, और आज 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग करवा के खामोश हुआ हूँ। मैं इनके घर पहुंचा, मैं समझा पूरी गली भरी हुई होगी, हाँ, कि बच्ची गायब हुई है, बच्ची गायब हुई, पूरा इलाका रो रहा होगा ना कि हमारी बेटी गायब हो गई, पूरा इलाका, सबकी बहन सबकी बेटियाँ सांझी हैं, ये खड़े हुए थे बाहर अकेले, इनका एक भांजा खड़ा हुआ था, बाकी कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं, खाली सन्नाटा, ये खड़े में मेरी बच्ची गायब हो गई, कोई तो आए दिलासा दे दे ना आके कि मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करो। अजीब अजीब मंजर देखा है मैंने, अजीब मंजर, ये बच्ची की खाला है, आपकी बहन है, कुछ कहना चाहती हूं, जी जी, अगर किसी ने उसको देखा है कहीं या किसी घर पे शक है जैसे बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, तो प्लीज आप लोग जो नहीं है हमें बताएं जो नंबर दिए हुए हैं। दूसरी बात कि जो आरजू है कि दरवाजा नॉक हो और सामने बेटी आ जाए, तो गुजारिश ये है कि ये बच्ची की आप तस्वीर देख रहे हैं हमारी बेटियों की तरह, बहनों की तरह, तो आप में से किसी को भी किसी भी तौर पे कुछ भी लगे कि कोई भी हेल्प कर सकता है, देख कुछ भी इन वॉट एवर मैनर, वसीम भाई पैसा दे देंगे यार, मैं यही कह रहा हूं, पैसा बोलो, हाँ, हम हमारे इदारे के जितने एसेट्स हैं वो बेच देंगे भाई, इस मां को उसकी बेटी, भाई अगर ये मालूम हो जाए कि अच्छा ये तो अच्छा लोग भाई दे दिला के जान, तंग तो नहीं करो ना कि इस मुल्क से बेचेंगे उस मुल्क तक, उस मुल्क से बेचेंगे वहां तक, ये तो मैसेज नहीं करो, जाती है यार, मैं तो अपने ऊपर रख के सोच रहा हूँ कोई मेरी बहन को कोई मेरी बेटी को ले जाए और उसके बाद ये मैसेज मेरे माँ या मेरे बाप को भेजेगा, हमारे लिए तो मौत है यार, मैसेज पढ़ पढ़ के मरेंगे यार, कि अच्छा फलां को बता रहे हो, अच्छा पुलिस के पास जा रहे हो, अब तैयारी करो इससे महंगे रेट में हम फलां जगह बेच रहे हैं, क्या जुल्म है यार। बात सुनने में ये कहना चाह रही, जो लोग लेकर गए उनको अगर रमजान की थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, या उनके घर में अगर बेटियां हैं वो अगर बेटियों वाले, तो आज वो मेरी बेटी लेके गए तो उनकी बेटी भी सेफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बदला फौरन दुनिया में ही ले लेता है, और अगर उनकी बेटी नहीं है तो कम से कम माँ और बहन तो होगी ना, तो आज उन्होंने मेरे साथ किया तो उनके साथ भी हो सकता है, तो खुदा के लिए एक हम पर रहम करो, हमारा पूरा घर बहुत परेशान है, और जहाँ भी आपने इसको रखा हुआ है अगर वो जिंदा है तो खुदा के वास्ते एक माँ की बद्दुआ मत ले, मैंने आज तक उसको अभी तक बद्दुआ नहीं दी जो लेके गया, मैं उसको यही कहती हूँ कि रहम आ जाए, उसकी आंखों में रहम आ जाए, दिल में रहम आ जाए, वो छोड़ दे, रोड पे छोड़ दे, कहीं दूसरे एरिया में छोड़ दे, उसको कोई ना कोई ले ही आएगा या खुदा जाए, खुदा के वास्ते जहाँ भी आपने उसको रखा है उसको छोड़ दे, आपका क्या जाएगा मगर हमारा पूरा घर चला जाएगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे,
हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं इनकी खाला से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भी अपने दौर पे मैं एक ये बड़ी अजीब और गरीब गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे अलग अलग लेवल्स पे। एक तो आप लोगों से जो सब देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ दस्ते दुआ बुलंद करें कि अल्लाह ताला कोई रास्ता बनाए। दूसरी गुजारिश आप लोगों से कि अगर आप इस बच्ची की तस्वीर देखिए, आपको कहीं कुछ लगे कि आपने इस बच्ची को कहीं देखा है। ये वाकई दफ़ा हुआ था, जफ़र भाई भी इसमें साथ थे, कि हमें मालूम हुआ कि एक लड़का गायब हुआ है घर से। मैंने जफ़र भाई से रब्ता किया, मैंने ट्वीट किया, ये कब्रस्तानों में पहुंचे। बिल आखिर हमारे ट्वीट्स और इनके मैसेजेस से ही वो बंदा रिकवर हो गया, किसी ने देखा था, उससे रब्ता कर लिया, ऐसा हो गया था। तो आज इस सेगमेंट का मकसद भी है कि अगर इस तरीके से किसी को लगे इस बच्ची को कहीं देखा है, तो प्लीज़ ये नंबर्स आ रहे हैं, रब्ता करें। हाथ जोड़ की गुजारिश है। तीसरी गुजारिश अरबाब इख्तियार से है, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब। ये इस घर का एक एक लम्हा कैसे गुजर रहा होगा, ये आपको अंदाज़ा। मैं खुद भी वैसे रब्ता करूँगा इस सेगमेंट के बाद अपने तौर पर वज़रा से या सबसे, लेकिन चाहे वो डीजी रेंजर्स हों, चाहे आईजी पुलिस हों, चाहे मिनिस्टर हों, जफर भाई बता भी रहे हैं कि सब एक्टिव हुए हैं। लेकिन मैं अभी तनकीद करने में जा ही नहीं रहा, एक लम्हे को मुझे सोचने कि ये बेटी मेरी भी हो सकती थी या आपकी भी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, बस वो कर लें। मैं अभी और कोई इसके अलावा तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, अगर अपने घर से कोई गायब हुआ होता जवान बच्ची, तो क्या करते, वो कर लें। और एक गुजारिश बड़ी अजीब गरीब है कि भाई जिसने ये काम किया है, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कौन है, क्या है, कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नशरियात का दायरा वसी है, बहुत जगहों पर देखी जाती है, हर जगह पर देखी जाती है। तो मुझे यकीन है कि किसी न किसी तरीके से नशरियात का टुकड़ा उस तक पहुँच जाएगा जिसने ये काम किया है, जहाँ ये काम हुआ है। तो भाई एक माँ की हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, एक बहन की हाथ जोड़ के दरख्वास्त है। इनका एक एक लम्हे का सुकून बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मर गए, ये मरने से पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मर नहीं गए हैं। मरना इस ये जो सिचुएशन है, मरना इससे आसान होता है, इससे मरना आसान होता है। और आपने भी एक दिन मर जाना है, सबने मर जाना है। वसीम भाई आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ, जिस किसी ने ये काम किया है वो जिंदा बच्ची लौटा दे, बस मैं इनके बाप के पांव में पड़ के केस वापस करवाऊंगा। कुछ नहीं करेंगे, केस वापस करवाएंगे। हाँ। तेरा जो मसला है हल करेंगे, तेरा जो मसला है हल करेंगे, तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, जिंदा बच्ची वापस कर दे। मैं एक माँ हूँ, बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी है सर, ऐसा ही है। वसीम भाई मैं पीछे हट जाएंगे यार, तुम बच्ची दे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, गारंटी देती हूँ जो लेके गया है, मैं उसे कुछ भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी। अगर वो मेरे सामने भी लाके खड़ा करेगा ना, मैं उसको जाने दूंगी, कुछ नहीं। ये वादा है हमारा, मेरा वादा है, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये माँ बाप फैसला करते हैं ना। मैं फैसला कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरी बच्ची जिंदा सलामत, वो जाने दे उसको, खुदा के वास्ते जाने दे, अल्लाह रसूल की वजह से जाने दे। बिल्कुल सही है। अगर वो मतलब कैसा मुसलमान है, रोजे का एहतराम नहीं, किसी बच्ची का एहतराम नहीं, अल्लाह का तो खौफ होगा ना, अल्लाह तो देख रहे, तो वो जाने दे, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे भाई, वो जिंदा जाने दे खुदा के वास्ते। भाई अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वसीम भाई ये बत्तखें घूम रही हैं अपने बच्चों के साथ, इसका बच्चा उठा के दूसरे कमरे ले जाए, ट्रांसमिशन करके दिखा दिएगा। हाँ, शोर मचा मचा के वो, वो नहीं करने देगी ट्रांसमिशन। हाँ, आपको हाँ, हाँ, इस माँ का सबर है, 7 दिन से ना सोए हैं, ना जागे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, और लोग फोन कर करके अलग तंग कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी मिल गई जो नशा करती थी। अरे भाई इनकी बच्ची तो घर से ही नहीं निकली, शर्म करो। मुझे जी आप बच्ची की खाला हैं, क्या आप भी अगर अपने तौर पे कुछ कहना चाहें, दरख्वास्त करना चाहें तो बोलो। अभी जब से आए हैं सेट पे, इतना इस सेगमेंट से पहले से इस तरह रो रहे हैं, जब से आए हैं मैं आपको क्या बताऊं, जब कैमरे ऑन नहीं थे, क्योंकि मैं उसमें ये इस तरह से रो रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। जो भी लेके गया है वो वापस ले जाए, मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत से पाला, बहुत नाजुक सी है, इवन कि जब हम मैं जो कपड़े पहनती थी वो वैसे कहती थी, मम्मा मैंने खाला जैसे कपड़े लेने हैं, वापस दे जाओ, लेकिन जिंदा सलामत, मुर्दा नहीं चाहिए हमें, जिंदा चाहिए। उसकी 27 को बर्थडे है, वो 27 को 14 साल की होगी, अभी है नहीं। और वो उस रात जब मैं सहरी बना के बैठी हूँ, मेरे साथ वो बातें कर रही थी कि मम्मा मुझे आपसे भी गिफ्ट चाहिए, नानू आपसे चाहिए, खाला आपसे चाहिए। मैंने कहा कोई गिफ्ट नहीं, आपको कैटी ले दिए ना। अच्छा। वो तो बाबा ने लेके दिए ना, मैं तो आप सबसे लूँगी। फिर मैंने उसको कहा कि हम चलेंगे बाज़ार जाएंगे, तो कहती हाँ मम्मा कह रही बाज़ार जाएंगे, क्योंकि मैं कोविड की वजह से कहीं भी नहीं निकाला, ये भी घर में IT का काम करते हैं, मैं भी घर में 24 घंटे रहती हूँ, हम बच्चे के सर पर रहते हैं, और वैसे भी मेरी बच्ची तो डोलियाँ बनाती, मैंने उसकी रात को पौड़ियाँ उठाई, उसकी डोलियाँ उठाई, आप यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ है, मैं उस दिन से अपने घर नहीं गई, अपनी अम्मी के घर में हूँ।
मैं वहाँ जब एक बार उसकी चीज़ें लेने के लिए मुझे भेजा पुलिस ने, मुझे ऐसा घर लग रहा था कि मैं जिसे मुझे खा जाएगा। आप माँ हैं, आप दुआ करें, हम सब कोशिश करते हैं। आपसे तो दुआ कौन कर रहा होगा इस बार, अल्लाह करे कि आज 19 रमजान मुबारक है, आज के दिन के सदके में अल्लाह ताला। याद है ना, मैं आपके शो में बैठा हुआ था, पहली रमजान थी, हिंदू बच्चा था जी, याद है, जानवरों के डॉक्टर थे, उनका बेटा था छोटा सा, हमने अपील की कि हिंदू बच्चा है, इसके लिए जकात से भले मत दो भाई, लेकिन पैसे दे दो, उसको जिंदगी दिलानी है, 40 लाख रुपए चाहिए। और हमने सबको फोन किया, डोनरों को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। यहाँ तो हम मजबूर हैं, हम ये भी नहीं कर सकते, चाहिए ही नहीं पैसा। मुसलमान बच्ची है, रमजान के दिन है, रोजे में थी, गायब हो गई। मैंने अभी अपने लड़के को फोन किया कि पेज पे 3 दिन लिखा हुआ है तुमने, अब इसको काट के 7 दिन कर दो, 7 दिन हो गए इस माँ की अपील को। हमने जब वीडियो डाली थी लिखा था ना, 3 दिन से लापता बच्ची की माँ की अपील, मैंने कहा उसको काट के 7 दिन कर दो। अच्छा अच्छा, 7 दिन हो गए ना, कल सुबह उसको 8 दिन कर देना, बच्ची मिले भाई, अपील पे अपील हो रही है, मुसलमान बच्ची है, रोज़े। और इससे ज़्यादा क्या अपील करें, आम लोगों से अपील कर ली, अरबाब इख्तियार से अपील कर ली, मुजरिम से भी अपील कर ली, भाई तुझे कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे माँ बहन आके बेटियां जमीन पे बैठ गई, हम नहीं बैठेंगे सोफे पे, एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। और माँ वादा कर रही है कि जो जिम्मेदार सामने भी होगा कुछ नहीं करेंगे, माँ कुछ भी नहीं करेंगे। यार मैं छोटा सा सोशल वर्कर हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इनके बाप के पाँव में गिर जाऊंगा। यार छोड़ दो बस, कुछ नहीं करो बस, ना कानूनी कार्रवाई होने दूंगा, सब वापस करवा दूंगा केस, बच्ची जिंदा दे दो। मैं जरा पर ये इस वक्त सारे टेलीविजन सारे नंबर्स चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ताकि अगर कोई भी किसी भी तौर पे कोई भी हेल्प कर सके, तो ये सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस आप लोग अगर किसी भी तौर पे कोई भी रابطہ कर सकें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी बाप को इस आलम से ना गुजारे, चूँकि देखिए माँ होती है वो जज्बात में बह जाती है, बाप को बड़ा कंपोज भी रहना होता है, हिम्मत भी दिखानी होती है कि बाकी सब भी हिम्मत पकड़े रहे। यार वसीम भाई, तो छोटी बहन क्या सोच रही होगी, हाँ। कि दुनिया का यही दस्तूर है, मैं अभी 9 साल की हूँ, 14 साल की होंगी, मैं भी अगवा हो जाऊंगी, ये क्या सोच रही होगी। इसके लिए मिसाल इसका घर है, ये बोली होगी अच्छा मैं 9 साल की हूँ, 10 की होंगी, 11 की होंगी, जब मैं 14 की होंगी तो मैं भी आपा की तरह अगवा हो जाऊंगी, मुझे कोई ले जाएगा, ये कौन सा तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं एक दरख्वास्त भी है कि मैं हमने टेलीफोन नंबर्स दिए तो कॉल्स बहुत आना शुरू हो गई, लेकिन देखिए दरख्वास्त जिस तरह जफर भाई ने भी कहा ना, ये कोई फंड रेजिंग ऐसा कुछ तो है नहीं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कॉल करें, वरना आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि नंबर लाइन्स चोक हो जाएँ और फिर कोई ज़रूरी कॉल ना आ सके, तो सिर्फ मज़ीद मालूमात लेने के लिए या वो इस पर कॉल ना करें, कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो तो कॉल करें, चूँकि कॉल्स बहुत आना शुरू हो गई जैसे हमने नंबर अनाउंस किए, बट ऐसी कॉल जिससे कोई हमें फ़ायदा हो सकता हो, ताकि इन खानदान के तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। #हैशटैग कुछ चला दें दुआ के लिए, हाँ #हैशटैग रिकवर दुआ चला दें पूरा पाकिस्तान, हाँ, ताकि जो सोए हुए लोग प्रेशर, हाँ हाँ, एक इतना अपील कर रहा हूँ #हैशटैग रिकवर दुआ, बस इतना रिकवर दुआ, हाँ बिल्कुल ठीक, दुआ दुआ मांग रहे ना, बस यही दुआ के लिए, दुआ का नाम है, दुआ को आज दुआ की जरूरत पड़ गई है। आपका क्या नाम है। सकीना फातिमा। हाँ आपने बताया था, सॉरी मैम, तो आप दुआ कर रही हैं दुआ बाजी के लिए। जी अल्लाह हम सब मिलके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके पास होंगे। आपने परेशान नहीं होना है, मामा के साथ मामा को हेल्प करनी है आपने, ठीक है। अब ये छोटी सी बच्ची इसके चेहरे पे इतना खौफ नुमाया है, मैं क्या बात करूँ, सगी बहन है ना, इतनी सहमी भी है कि मैं क्या बात करूँ। सगी बहन है, आप एक बाप हैं, हाँ। मैं भी एक मिनट के लिए आपसे बोलूं, वसीम भाई ये सिचुएशन आप पे आ गई, आपका बेटा इस वक्त नहीं होता ये वाक़, क्या आप यहाँ से खड़े हो पाओगे, सोच के सिर्फ यार मेरा बेटा बिस्तर पे सोता है, मेरे घर में सोता है, ये माँ कैसे सोएगी बिस्तर पे, इसको पता ही नहीं कि इसकी बेटी किसी बोरी में बंद है, किसी कोठरी में बंद है, जिंदा है नहीं है। हमने प्रीवियस जो वाकयात देखे अच्छे नहीं देखे, हमने नहीं देखे अच्छे वाकयात भाई। आप जाते जाते ना बस आप अम्मी ने कह दिया, सबने हमने अपने अपने तौर पर कह दिया, बच्चों की बातों में बड़ा असर होता है, आपको रिक्वेस्ट कर दोगे कि अगर किसी ने भी किया है तो बस उसको छोड़ के चले जाएं, दुआबाजी को हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस आपको जो कहना, आप कुछ कहोगे। मुझे बस अपनी बहन चाहिए। वो शिवर कर रही है, आप जाओ मम्मी के पास, मम्मा के पास, शी इज शिवरिंग, वो कांप रही है, बाकायदा कांप रही है वो, ठीक है। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो लिटरली कांप रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। आप जाओ मम्मा के पास जाओ, बैठो वहाँ पे, उसके हाथ कांप रहे हैं इस तरीके से।
सर बहुत सारी दुआएं हैं, आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बड़ी बड़ी हेल्पलेसनेस से आए रहो, बट आखिर में अगर आप कहना चाहें फिर मैं सेगमेंट क्लोज करता हूँ, हम बस इसका फॉलोअप रखेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आला सिंध से, आर्मी चीफ से अपील करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूँ कि वो इतने मशहूर हैं इंसाफ में 12 बजे अदालत खोलने में, मेरे लिए भी हेल्प करें। सो टूवर्ड्स द एंड, मैं भाई ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें अभी क़यामत अभी गुजर रही है, एक एक लम्हा, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि वो मतलब वो छोटी सी बच्ची है जिसको भी दुनिया की हकीकतों का नहीं पता, उसके हाथ ऐसे ऐसे करके काँप रहे हैं, उसके चेहरे पर इतना खौफ है, इतनी सहमी हुई है कि यानी मैं बात करते हुए एक लम्हे को दूर हो गया कि मुझे लगा कि उसको पता नहीं शायद मुझसे भी डर लग रहा है, मतलब वो इतनी सहमी हुई है, वो बेटी इतनी सहमी हुई है, माँ का दिल टूटा हुआ है। जिन लोगों ने काम किया है मैं उनसे खाली कहना चाहूँगा, भाई ये जो एक शिकस्ता दिल होता है ना, ये अल्लाह ताला का अर्श हिला देता है, ये एक एक माँ का दिल जो टूटा हुआ है, अभी उसने बददुआ नहीं की है उस माँ ने, ये बहुत अच्छा मौका है कि अभी उस माँ ने बददुआ नहीं की, अभी वो सिर्फ वादा कर रही है कि उसको छोड़ दो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, इस पे कर लो, वरना ये मुसीबत अल्लाह ना करे अगर आ भी गई तो 10 साल 20 साल 40 साल 60 साल जिंदगी खत्म होने के साथ ये मुसीबत खत्म हो जाएगी, इसके नतीजे में जो तुम पे मुसीबत आएगी वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगी। तो ये रमज़ान का महीना है, 19 रमज़ान है, आज का दिन भी मंसूब हजरत अली से, बस ये इसको एक जिससे भी गलती हो गई है इससे जान छोड़ा लें अभी, वरना इसका बहुत बड़ा इसका खिराज देना पड़ेगा। फुसला के भी ले गया, मुझे बुला लो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, जहाँ बुलाओगे आऊँगा, ये वादा है हमारा कि हम जहाँ बुलाओगे होगा इसमें खत्म है। और जो आपको जो कोई भी है, आपको भी जिंदगी में किसी से बहुत मोहब्बत होगी, शायद वो आपकी माँ हो, शायद वो आपकी बेटी हो, शायद वो आपकी बीवी हो, जो भी हो, आपको अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा अजीज है ना, आपको उस जात का वास्ता दे रहे हैं हाथ जोड़ के मेहरबानी कर लें, रहम खा लें, वरना इससे पहले कि इस माँ के दुआ बदुआ के हाथ उठ जाएंगे बदुआ के लिए, तो मामला बहुत खराब, खुदा की कसम मामला बहुत खराब हो जाएगा। और बाकी मैं सिर्फ तुफ भेज सकता हूँ उस सिस्टम पर जो ये कहे कि आज सियासी जलसे में मसरूफ हैं, कल फारिग होंगे तो फिर आ जाएंगे, और मैं चार हर्फ भेजता हूँ उस सोच पे जो कहे कहे कि इस नाम का ऐलान नहीं हो सकता, मैं उस पर सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच में मैं सिर्फ चार हर्फ भेज सकता हूँ, और बाकी मैं बस अल्लाह ताला के हुजूर दस बस्ता दुआ करता हूँ। आप लोग सब देख रहे हैं, ये पूरे सेट पे भी हमारे लोग सब ये कर रहे हैं कि मतलब मुझे अपनी तकलीफ सारी कुछ भूल गई है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं कुछ सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि दस्ते दुआ बुलंद करें, दुआ करें, और जिन्होंने ये काम किया उनसे गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ते बहुत देर हो जाएगी, उससे पहले ये कर लें, वरना इनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी 50-60-70 सालों में, आपकी तकलीफ खत्म नहीं होगी। वादा है ना मकाफात अमल, ये बद्दुआ ना दे माँ, जिस किसी ने ये काम किया है, जो जो शामिल है इसमें, उन सबके साथ उनकी जिंदगी में होगा, उनकी बहन बेटियों के साथ ये होगा, देते हैं। तो सर आप हिम्मत रखें इंशाल्लाह, हम बस मैं यही कह सकता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ। मैं आज मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ ना, तो मैं जफर भाई की वजह से बैठा हूँ। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। वरना मैं जफर भाई के पास नहीं जाता तो मैं तो डिस्कसिंग तो ऐसी कितनी सारी दास्तान है जो डिस्कस भी नहीं होती है, ये तो एक जफर साहब के पहुंच गए, स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द सिस्टम वी हैव। माँ जी बस अल्लाह ताला खैर करेगा, बहन बहुत सारी दुआएं, और हम फॉलो भी रखेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें तो बात करते जाएं बात खत्म नहीं हो सकती। बस कल ये लोग बैठे हैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर, अपने घर बैठे हैं, खुदा ऐसे रास्ते बनाए, खुदा मौजज़ा करे, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह करे कि ईद से पहले हम इसी सेटमेंट को बच्ची के साथ बुलाएं, कल आज शाम में एक घंटे बाद बैठे, खुदा ऐसे असबाब पैदा कर दे, उन लोगों में आपस में फड्डा हो जाए जो लेकर गए, झगड़ा हो जाए, बता दें। कल जब मुझे पहला फोन आया ना हैदराबाद से, मैं तुम्हें लीड दे रहा हूँ, सांगड़ में मौजूद है, खुदा की कसम मैंने उसकी लाइन काटी, इनको फोन किया, मैंने कहा जल्दी करो, इन्होंने फौरन सारे दारों को नंबर दिए, लेकिन आज वो खबरों की दुनिया से जुड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज हो, या हो आपके पसंदीदा ड्रामास और लाइव शोज, या फिर दुनिया भर के खेलों की लाइव ट्रांसमिशन, अब रहें हर पल कनेक्टेड और देखते रहें ARY डिजिटल नेटवर्क के चैनल्स की लाइव नशरियात, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स की सहूलत के साथ सिर्फ ARY ZAP की मोबाइल ऐप पर। अभी डाउनलोड करें ARY ZAP।